बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाम नाजरीन आप देख रहे हैं आर डॉट क्यू क्रिएशन और मैं हूँ आपका हौसरा क्यूम सईद नाज्रीन आज कल एक ही खबर के चर्चे हैं वो है तहरीक अदम एतमाद जी हाँ तहरीक अदम एतमाद और सिंध हाउस में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान इसम्बली कौन है ये है आज का हमारा टॉपिक ये सोलह मार्च यानी बुध के दिन की बात है जब वजे अजम इमरान ख़ान ने सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में नोटों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं वजीरम के इस बयान से कबल बाज़ वफाकी वजरा और मशीर इस नोयत के बयानार दे चुके थे वजे अजम के खिताब के अगले ही रोज़ यानी सत्रह मार्च को टी वी स्क्रीनों पर सिंध हाउस से बाज़ सीनीयर एंकर्ज ने नाराज़ अरकान के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए इन अरकान ने दावा किया कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर तहरीक अदम अतमद में वोट देंगे यहाँ से वजीर अजम के ख़िलाफ़ तहरीक अदम अतमाद के मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया ये नाराज़ अरकान इसम्बली कौन है किन हलकों से मुंतखब होकर आए दो हज़ार अठारह के इंतबात में इनकी चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क्यों थी और अब ये अपनी पार्टी से नाराज़ क्यों हैं आइए इन सवालों के साथ साथ इन अरकान के सियासी प्रोफाइल पर मुख्तसर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले जो साहब का नाम आता है वो है अहमद हसन डेहड साहब अहमद हसन डेहड ने 2008 में मुल्तान के हलका पी पी दो सौ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और एम पी ए मंतखब हुए थे ये इनका पहला इलेक्शन था इनकी सियासत का आगाज़ मुशरफ दौर में यूनियन कोंसिल के नाजम के तौर पर हुआ था उन्होंने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया यह जिस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं वो हलका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनमा जनाब सैद यूसफ रज़ा गलानी साहब का आबाई हलका है मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी व मुनफ़ शाकिर हुसैन शाकर कहते हैं कि मुल्तान में एक जलसा था मैं जलसा की निज़ामत कर रहा था उस वक्त के वज़ी अजम सैद यूसुफ रज़ा गलानी वहाँ मौजूद थे वहाँ अहमद हसन डाब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अपने हल हल्क, मेरे हलके में यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे हलके में तरक़्ियाती काम नहीं किए गए और यह शिकवा किया जिस पर सैद यूसफ रज़ा गलानी हैरान हुए और हँस दिए शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक गुजत बर में जब चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल जरदारी ने मुल्तान का दौरा किया तो हैदर अब्बास गर्देजी की फ़ातह के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए जहां मरहूम हैदर अब्बास गर्देजी की बेटियों ने एक तस्वीर पर आटोग्राफ लेना चाहा अब इस तस्वीर में यूसुफ रज़ा गिलानी के एक तरफ़ आमिर डोगर थे जबकि दूसरी तरफ अहमद हसन डेहड थे बिलावल जरदारी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा कि आपके ये दोस्त पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में चले गए थे ये वापस कब आएंगे इस पर सैयद यूसुफ़ रज़ा गलानी खामोश रहे सन 2008 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी की सीट पर लड़ने वाले अहमद हसन डेहड ने 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा चूँकि इस हलके में मुस्लिम लीग नून के पास अच्छा उम्मीदवार था इस वजह से इन्हें टिकट ना मिल सका ये वो अरसा था जब उन्होंने अमली सियासत से कुछ वक्त के लिए किनारा कशी इख्तियार कर ली और बाद हजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए 2018 के आम इंतबात में मल्तान का हलका एन ए एक सौ चौवन का मरकज़ बन गया था इस हलका में पी टी आई के टिकट मलक अहमद हसन डेहड और सिकंदर हयात बोसन लेना चाहते थे पाकिस्तान इंसाफ ने सिकंदर हयात बोसन को अपना उम्मीदवार नामज़द भी कर दिया अहमद हसन डेहड ने टिकट के हसूल के लिए बनी गाला धरना दे दिया आखिरकार पीटीआई ने सिकंदर हयात बोसन से टिकट वापस ले लिया और इस तरह 25 जुलाई 2018 को आम इंतबात मनकद हुए और अहमद हसन डेहड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एम एन ए मंतखब हुए सिकंदर हयात बोसन आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सिकंदर हयात बोसन ने 2013 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़कर कामयाबी हासिल की थी जबकि उस एलेक्शन में सलमान कुरैशी ने पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था अब उसके बाद सन 2018 के आम इंतबात में जब सिकंदर हयात बोसन ने मुस्लम लीग नून से राहें जुदा कर लीं तो मुस्लिम लीग नून ने सलमान कुरैशी को टिकट दे दिया अब दूसरे नंबर पर है सैयद बासित सुल्तान बुखारी अब ये साहिब उन्नीस सौ सतानवे के इंतबा में एम पी ए मंतखब हुए थे और सन दो हज़ार दो के इतख में वो काफ लीग की टिकट पर एम एन ए मंतखब हो चुके हैं दो हज़ार आठ का इलेक्शन भी काफ लीग की टिकट पर लड़ा मगर कामयाबी हासिल ना हो सकी लेकिन मई दो हज़ार दस में ज़िमनी इलेक्शन में एक सौ बाईस सीट पर कामयाब हो गए वह दो हज़ार तेरह के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एम एन ए बन गए और फिर सन दो हज़ार अठारह के आम इंतबात में जनूबी पंजाब शूब महाज के प्लेटफार्म पर सरगर्म हुए इस इलेक्शन में कामयाब हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शमूलियत इख्तियार कर ली इनकी वालदा जहरा बतूल बतुलसूबाई हलका पी पी दो सौ बहत्तर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर एम पी ए हैं जबकि इनकी बेगम जहरा बासत हलका एन ए एक सौ चौरासी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की टिकट पर इलेक्शन हार गई थी 2018 के इंतबात में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतबी मुहिम का आखिरी जलसा मुजफ्फरगढ़ में किया था हारून सुल्तान बुखारी जो बासित बुखारी के बाई हैं ने नून लीग के टिकट पर सूबाई इलेक्शन लड़ा था इन्होंने इस मौके पर कहा था कि शहबाज शरीफ बाप की जगह हैं और बाप तब्दील नहीं किए जाते और ती अगले बंदे हैं वो हैं राना कासिम नून साहब मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले राना कासिम नून बीपीटीआई के इन नाराज अरकान में से हैं जो गुज्तर रोज सिंध हाउस में दिखाई दिए थे मगर वो 2008 हज़ार के आम इंतबात से कबल मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ रुकन थे इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया था राना कासिम नून पहली बार 2002 के इंतबात में मुल्तान के हलका पीपी पाँच से एम पी एम हुए इनके खानदान की सियासत का आगाज़ कयाम पाकिस्तान के फौरी बाद हुआ था इनके चचा राना गुल मोहम्मद नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ पचपन तक पंजाब की कानून साज इसमी के मेंबर रहे उसके बाद नाम आता है नवाब शेर वसेर का नवाब शेर वसेर दो हज़ार आठ के इलेक्शन में उस वक्त के हलका एन ए छिहत्तर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर एम एन ए मुंतब हुए थे मगर दो हज़ार तेरह के इलेक्शन में यह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तलाल चौधरी से भारी मार्जिन से शिकस्त खा चुके थे उस वक़्त भी इनके पास पीपल्स पार्टी का टिकट था यही हल्का जब 2018 दो हज़ार के इलेक्शन में एन ए एक सौ दो ठहरा तो मलक नवाब शेर वसीर ने तलाल चौधरी को शिकस्त दे दी इनके पास इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था नवाब शेर वशेर अप्रैल 2018 में बनी गला जाकर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करते हैं इस मौके पर उनका कहना था कि वो अपने आबाई हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को मजबूत करेंगे हालांकि जून 2017 में इन्होंने वफद समेत बिलावल जरदारी से मुलाकात की थी जिसमें बिलावल को जड़ावाला में जलस आम की दावत भी दी गई थी उसके बाद डॉक्टर रमेश कुमार सात अप्रैल दो हज़ार अट्ठारह को डॉक्टर रमेश कुमार ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पी टी आई को ज्वाइन किया था और ये वो दिन था जब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक और अकलीती रुकन भावन दास ने भी पार्टी को खैरबाद कहकर अपनी वफादारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुपुर्द कर दी थी डॉक्टर रमेश कुमार के चक शहजाद घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनमा इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस मौका पर डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि अगर उनकी कम्युनिटी पीटीआई को वोट देगी तो हमें मोहताज नहीं होना पड़ेगा मैंने पीटीआई को ज्वाइन इसलिए किया कि मुल्क की खिदमत कर सकूं। डॉक्टर रमेश कुमार की सियासत का आगाज़ 2002 के इतबात से हुआ था ये आज़ाद हैसियत में पी एस इकसठ से महज चौंतीस वोट ले सके थे इसके बाद वो काफ लीग में रहे और फिर मुस्लिम लीग नून से वाबस्त हो गए थे जबकि 2018 के आम इंतबात से कबल रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए यूं वो दोबारा अकलियती सीट पर कौमी असम्बली के रुकन बन गए उसके बाद नाम आता है राजा रियाज साहब राजा रियाज सन उन्नीस में पंजाब इसम्बली में सूबाई नश्त पर कामयाब हुए थे और सूबाई मम्बर बने ये दूसरी बार 2002 के इतख में एम पी ए बने थे दो हज़ार आठ के इंतबात में भी वो एम पी ए मंतख हुए और मई दो हज़ार सोलह तक पा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे जबकि बीस मई दो हज़ार सोलह को पाकिस्तान तहरीक तहरीकानसाफ़ ने फैसलाबाद के मकाम धोबी घाट में जलसा आम किया जिसमें राजा रियाज ने पी टी आई में शमूलियत का ऐलान किया था जलसा के बाद इमरान खान ने अलीम ख़ान शाह महमूद कुरैशी और दीगर के साथ राजा रियाज के घर में खाना भी खाया था सन 2018 के इलेक्शन में राजा रियाज ने पीटीआई की टिकट पर हल्का एन ए से कामयाबी समेटी थी उसके बाद नाम आता है नूर आलम खान नूर आलम खान सन 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से पशावर के हल्का एन ए तीन से एम एन ए हुए थे वो 2018 के इलेक्शन में पिशावर के हलका एन ए सत्ताईस से पीटीआई की टिकट पर एमएनए बने इन्होंने मई 2017 में पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था और जहांगीर तरीन से मुलाकात करके पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया था इमरान खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि नूर आलम की अच्छी शोहरत सुनी है इनको तहरीक सा खुश आमदीद कहता हूँ हाले दिनों में की जानब से यह कहा गया कि मुनहरिफ अर को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं वाजह है रहे कि नूर आलम खान दो हजार आठ में जब पीपल्स पार्टी के टिकट पर एम एन ए मुंतब हुए थे तो ये अमीर तरीन रुकन कौमी असम्बली करार दिए गए थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके चार अरब के असासे थे नूर आलम खान की पी टी आई हुकूमत से तहफात की कहानी सन 2019 से शुरू हुई थी एक मौके पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी इजलास में वज़र अजम इमरान खान और नूर आलम खान के दरमियान सख्त जुमलों पर मबनी मुकालमा भी हुआ था वजी अजम इमरान खान ने इनसे कहा था कि इस वक्त आप पी टी आई पर तनकीद करते हैं जब आप पी टी पी पी में थे तो उन पर तनकीद नहीं करते थे जवाब में नूर आलम खान ने कहा कि वो उस वक्त भी हुकूमत पर तनकीद करते थे उसके बाद नाम आता है रियाज मजारी साहब रियाज मजारी सन 2018 के इंतबात में आज़ाद हैसियत से जीते थे ये जहांगीर ख़ान तरीन की बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए ये इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून सेलहदा हो गए थे रियाज मजारी सबक निगरान वजीर अजम मीर बलख शेर मजारी के साहबजादे हैं रियाज मजारी ने जून दो हज़ार बीस में अपनी ही हकूमत पर कड़ी तनकीद की थी ये हकूमत की जानब से इनके इलाके में अमन वमान बरकरार न रख सकने पर नाल थे उसके बाद नाम आता है मोहम्मद अब्दुलगफ़ार व्टू मोहम्मद अब्दुलगफ़ार व्टू 2018 के इलेक्शन में बहावल नगर के हलका एन ए से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को ज्वाइन कर लिया था ये फैमिली मुख्तलिफ़ पार्टियों से मुख्तफ अदवार में वस्ता रही है गफ़ार वटू के चचा पीपल्स पार्टी के मियाँ फ़िदा हुसैन हैं जो हल्का पी पी दो सौ सैंतीस से एम पी ए वो गुजशत दिनों वजी अली पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करते भी पाए गए थे उसके बाद नाम आता है नज़रत पठान हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नुरत पठान की सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हुआ था ये ज़िला हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की खातन विंग की जिलाई सदर रही हैं 2002 के इलेक्शन में मखसूस नश्त पर पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से सिंध इसम्बली की रुकन इसम्बली भी बनी थी फिर ये पीपल्स पार्टी से मुनहरफ होकर काफ लीग में शामिल हो गईं सन 2008 के इलेक्शन में यह ख़वान की मखसूस नशस्त पर काफ लीग की उम्मीदवार के तौर पर इसम्बली की मेंबर बन गईं 2011 में यह काफ लीग से अलग होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल का हिस्सा बन गईं जबकि अक्टूबर 2016 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को ज्वाइन कर लिया सन 2018 के आम अट्ठारह में वो सिंध से खातान की मखसूस सीट पर एम एन ए मंतखब हुईं उसके बाद नाम आता है वजिया अक्रम वजिया अक्रम सन 2018 के आम इंतबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खातान की मखसूस नश्त पर एम एन ए मंतखब हुईं साल 2013 के इंतबा में इन्होंने नारोवाल के हलका एन ए एक सौ सोलह से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था और नौ हज़ार से जायद वोट लिए थे इस हलका से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दान अजीज़ मंतखब हो गए थे दो हज़ार अठारह के आम इंतबात में नारोवाल के कौमी असम्बली के दोनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी जबकि पाँच सूबाई हल्कों में से चार पर न लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए तहम एक सीट पर आज़ाद उम्मीदवार ने फ़ाह पाई थी और यह आज़ाद उम्मीदवार बाद अजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया था जबकि हल्का पी पी सैतालीस से कामयाब होने वाले मोहम्मद गयासुद्दीन बाद नीग से मुनहरफ हो गए थे हल्का एन ए सतर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियाँ रशीद को टिकट दिया था और वो हार गए थे जी अक्रम का घर इसी हलका में है विजय अक्रम को मखसूस नशिस्त पर एम एन ए बनाना पी टी आई का अहम फैसला था विजय अक्रम के ख़ानदान की सियासत की सियासत की शुरुआत क्या क्याम पाकिस्तान से कबल की हैं तो नाजरीन ये थी कहानी कि पी टी आई के मुनरफ अरकने इसम्बली कौन कौन और मुख्तलफ अदवार में कौन कौन सी पार्टीज़ में शामिल रहे हैं क्या ये अपने मफादात की सियासत के लिए जब दिल किया एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांगे लगाते रहते हैं या अपने ज़मीर के सौदे करना इनके लिए कोई बुरी बात नहीं है फैसला आप आवाम करेंगे और अपने कीमती आरा कमेंट्स में हमें लाजमी दीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतरीन कोशिश कर सकें थैंक यू अल्लाह हाफिज़